अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप YouTube फैमिली? कैसे हैं आप? सोच रहे होंगे इतनी धूप में किधर आ गई, बस अचानक का बस प्रोग्राम बना है बच्चों के साथ, घर कहीं है और गाड़ी कहीं पार्क है, और गाड़ी की हालत हुई है मट्टी मट्टी हुई, रात को आंधी आई हुई थी, तो मुझे अब जाने की जल्दी है, तो बस निकलते हैं। बस हल्का सा थोड़ा सा पानी शानी मारेंगे इसको, मैं गाड़ी लेके चलती हूँ, फिर पहुँच के बच्चों को हॉर्न दूंगी, बच्चे आएंगे और आके बैठेंगे। इतनी ज़्यादा हीट है, तो पहले शीशे नीचे कर लें। जाना भी बड़ा ज़रूरी है। और सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं? गर्मी के तो बहुत ही बुरे हालात हैं, लेकिन गाड़ी मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, अगर मैं इधर साफ करने बैठूंगी ना तो मेरा अपना शोरबा निकलने लग जाएगा। और इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3, और हम निकलने की अब तैयारी करते हैं। अब निकल गई हीट गाड़ी में से, हाय हाय हाय, ओह गरम गरम सीटें, ये सबके साथ ही एक्सपीरियंस होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई गाड़ी। बच्चे कह रहे थे जल्दी आइएगा, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे भी 5 से 10 मिनट तो लगेंगे ही, फिर ही आती हूँ, क्योंकि घर के करीब ही है ये पार्किंग एरिया। इस वक्त मेरी हालत देख सकते हैं, कितना पसीना आया हुआ है, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से गला भी पकड़ा जाता है, ख़राब हुआ पड़े। तो बस ये भी एक्सपीरियंस ही होता है गर्मी का। चलें जी, चलते हैं। बच्चे कह रहे होंगे अम्मा हमारी कहाँ रह गई, और जाके बताते हैं कि हम आ गए हैं। आ जाओ बच्चों, गड्डी विच बैठो, जुलिए साईं जुलिए। मैं इसी तो चालू, मेरा की कसूर है गर्मी से बैठने का। ये देख रहे होंगे क्या है, ये मेरे बच्चों ने कहा वो ना जो उसकी जालियाँ लगी थी खिड़कियाँ हैं, तो वो कहते हैं हमें ना कम हवा आती है, तो इन्होंने ये उतार के फेंक ही दी है। और मेरी छोटी वाली बेटी मारिया वो तो इसको उतारने की पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से उतरे और हमें डायरेक्ट ठंडी हवा आए। तो मेरे साइड पर तो ऑलमोस्ट लगी ही है, और मुझे तो वही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, गाड़ी CNG पे चल रही है, जारी बात है AC भी चलाना है और बचत भी करनी है, कि सर्दियों में गाड़ी जो सी है ना मेरी पेट्रोल पे ही रखी है। अब चले, अब मैं अब निकलती हूँ, बच्चों को हॉर्न देती हूँ, बच्चे गाड़ी में आके बैठेंगे। चले जी, हम निकल पड़े हैं अपने एरिए से। बच्चों से जाके कहती हूँ आप इस स्क्रीन पे पानी डालें, फिर मैं इसका वाइपर चलाती हूँ, क्योंकि इसका जो गाड़ी से जो पानी निकलने का सिस्टम है ना वो ख़राब है। ये एक अलग इशू है, फिर लंबी डिस्कशन इस पर होगी। ये छोटे छोटे गाड़ी में मसले हैं, वो किस वजह से हैं, और जो कभी ठीक भी हो भी जाए तो सही तरह से ठीक नहीं होते। वो मारिया भी निकल आई है, हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी मैडम बनानी, मेरा बेबी छोटा सा काका मुन्ना। मारिया यहाँ से आओ, मारिया इधर से जल्दी आओ, मैं हॉर्न देती हूँ, आ जाएंगी। और मारिया, मारिया तुम्हारे एकदम ड्रेस चेंज हो गया, पहले तुम कुछ और पहनना चाह रही थी, अब कुछ और पहन। अच्छा, मोटी हो गई है। हाय मेरे बच्चे, सोना मेरा माँ का मासूम बच्चा, इधर देख, हाय मेरा काके को पसीने आए हुए। बेबी मैं पानी पी के आती, तो पानी भी कोई पीना भूलता है? आए हाय, बड़ी लिपस्टिकें लगी हुई हैं। हाँ ये देख, अच्छा नाक से पसीना साफ करो। कहाँ रह गई तुम्हारी आपियाँ? खैर जरा मैं ये लॉक खोलूँ, इसका लॉक भी ना थोड़ा खराब हुआ है। वो अंदर तैयार हो रहे हैं, बस वो अब
जूते पहन रही हैं, तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती, ताकि तुम्हें पता है ना मुझे फिर गुस्सा आने लगता है जब टाइम पे सारे काम ना हो। खैर, और ट्यूशन से फिर आज छुट्टी, अगर मिस वजिया को पता चल गया तो? आज बहुत गर्मी है तो इसलिए आज तो ये तो बताओ ना फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स को बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बाहर और आज हम बहुत मजे करेंगे। गर्मी में आ गए? मुझे पता है। और अफसा, वो दरवाज़ा सही से बंद किया? घर की सारी लाइट्स बंद की हैं। अच्छा, नहीं लेती नाम फातिमा, लाइट सारी बंद करके आई हो? हाँ। चलो ठीक हो गया, अब थोड़ा सा क्रीम पे पानी मारे। वो पानी की बोतल थी एक पड़ी हुई, देखो कहाँ है, निकालो। ये रही। अंदर नहीं जा रहे थे तो मैंने ना बाथरूम का दरवाजा और मैंने वो बंद कर दिया ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। चलो ये तो अच्छा किया, बाद में पता चले चूजे नालियों में घुस रहे हैं। एक मिनट ठहरो, ये जरा देसी तरीके से, जरा मैं, ओए मेरे मर गई, पानी गिर गया, देसी तरीके से पानी फेंकूँ मैं। चलो मैं वाइपर ऑन करती हूँ, देखा बैठे बैठे देसी तरीका। जो गाड़ी चलाने वाले हजरात होंगे वो कह रहे होंगे बीबी नु की हो गया है, बीबी गड्डी दे वाइपर सही नहीं कराती, टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ, घर के इतने काम होते हैं, बाहर के भी काम है, बच्चों के भी काम है, तो वक्त निकाल के जाऊंगी और इसको सही करवाऊंगी। चले जी, हम चलते हैं आगे की तरफ, पहुंच के बताते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी प्यास लगी हुई है, सर्दा ही पिए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, अपनी मेहनत करनी नहीं, मशीन नाल कम कराओ तो प्यार से गला खुश हो रहा है। मैं ये पी के निकलते हैं, थोड़ा ठंडा दिमाग होता है। मारिया ने तो अपने लिए स्लश लिया है, हमारे शीशा ने जरा नीचे करो, आज भी ठंडा है कि नहीं, कि गर्म देता है। मैं कहा ये ठंडा ना हुआ वापस कर दूंगी, बस कदरे ठीक ही है, इतना ठंडा भी नहीं है, इसको पी के ख़त्म कर दूँ जरा। नहीं इंतकाल होता पानी पी के ही फोत होना तुम, नहीं आगे से जाके खरीदते हैं पानी। मैंने तो सर्दा ही पी के अपना दिमाग ठंडा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का दिमाग ठंडा हो गया, वरना मुझे तो ये था मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी गर्मी से। सर्दई आके पिए, लेकिन गांव साइड पे सर्दियां बड़ी मजेदार बनती हैं, ठंडी दिमाग ऐसा तरोताजा ठंडा कर देती हैं। अब यहाँ के तो मैंने पिया बस नॉर्मल ही है। एक बार मुझे इतफाक हुआ था लाहौर से गुजरा वाला जाने का, तो मैंने कोई 3 से 4 मरतबा रुक के ना सरदाई पी थी। वहाँ अंदर खड़ी हुई है अम्मा, पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे वो ले रही है, नज़र नहीं आएगा वो यहाँ पे स्पर्श वाइट ब्लैक पहने वाला वो मेरी मम्मा है वो। चलो जी, बच्चों को बाकी दो बच्चों को भी ले दिया, थिंक मैं पता नहीं है जॉब्स आज खुली है कि नहीं, मेरे बाद तो याद आया कि आज तो सैटरडे है, तो आपको पता है लॉकडाउन में ये सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है। अब जो खरीदने के लिए आए थे तो मार्केट से बंद है, लेकिन तो शायद कोई होगी तो खुली हो शो, वरना फिर मंडे का इंतजार कर, लेकिन मंडे को मैं खुद बिजी हूँ बच्चों के पिक एंड ड्रॉप में, तो उस टाइम पॉसिबल हो सकता है कि मैं मार्केट की तरफ आऊँ। Thank you.
बाहर से लोग ऐसे समझे कि चुलाह वाले बिल्कुल नहीं है। ऐसे करें, दो दही भल्ले, एक फ्रूट चाट और दो गोलगप्पे, ठीक है। अच्छा, जो हाँ जी, जो फ्रूट चाट है उसमें जो मीठी चटनी ना वो बहुत कम रखिएगा, बहुत ही कम। चले जी, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर आने में 10-15 मिनट तो लगेंगे। हाँ जी, आ चुका है हमारा ऑर्डर, ये दही भल्ले, ये गोलगप्पे और ये गोलगप्पों का मसाला जात, मेरी फ्रूट चाट, गोलगप्पे हमने दो कहे थे ना। मेरी तो फ्रूट चाट आ गई, अब मैं से खाना स्टार्ट करूँगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।